यहाँ पर अमिता सिंह जी भी हम लोगों के मध्य हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। वह 2002 में MLA रही हैं अमेठी से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और 2002, 2004, 2007 में भी विधायक रही हैं। हम उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, माननीय नड्डा जी उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र यादव जी से मेरा आग्रह है कि उनको बुके देकर उनका पार्टी में स्वागत करें। आज जो भारत में एक नए भारत की सपने के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में करोड़ों करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने के लिए अभियान चल रहा है, देश को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने का, जो दुनिया में आज इस ग्लोबल इमेज के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है, लेकिन ये मात्र मजबूत जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग एक समाज की सेवा कारमान लेकर के निकले हैं राजनीति में। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में हम इस मजबूत पार्टी के लिए, इस मजबूत विचारों के लिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मात्र ये प्रधानमंत्री का नारा ही नहीं है, उनकी अपनी सोच है और मुझे लगता है कि उनमें इतनी क्षमता है कि उस सोच के माध्यम से इस देश में हर वर्ग के हर किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, हर व्यक्ति को, हर नर नारी को एक अच्छे उनके सपने को साकार करने के लिए, महान भारत बनाने में हम लोग भी अपना थोड़ा योगदान कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आज फिर से अपने नेतृत्व को, माननीय नड्डा जी को, माननीय भूपेंद्र जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक सच्चाई, ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ, इस पार्टी के सिद्धांतों के साथ, इस पार्टी के विश्वास के साथ, इसमें हम जो भी कुछ कर सकेंगे हमारा सौभाग्य होगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि लोग जब किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं तो जुड़ते समय वो कुछ बनने के लिए पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय सिंह जी ने राज्यसभा से अपनी सीट का त्यागपत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के संगठन की रणनीति के कारण जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विस्तार हुआ है, माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है, उनके साथ डॉक्टर अमिता सिंह जी भी स्वयं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहीं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़कर सुल्तानपुर के जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रहीं, 3 बार अमेठी से विधायक भी रहीं, और इस समय उत्तर प्रदेश के महिला प्रोफेशनल कांग्रेस की वह अध्यक्षा के नाते भी काम कर रही थी, उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया है। ये हम सब लोग बड़े हर्ष के साथ उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से वो एक पूरी सदिच्छा के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आने वाले समय में पार्टी इसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे।